हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे वीडियो में देख लीजिए, यह है कलौंजी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका प्राकृतिक उपचार सिखाऊंगा। आप अपना 3 मिनट का बहुमूल्य समय हमें दें और इस 3 मिनट के बहुमूल्य समय में मैं आप लोगों को लाखों रुपए की दवा फ्री में सिखाऊंगा। यानी कि आज मैं आप लोगों को फ्री में ये कलौंजी देख रहे इसका प्राकृतिक उपचार करना सिखाऊंगा। देखिए, मैं आप लोगों को बोलता हूँ, कई वीडियो में बोल चुका हूँ, इस वीडियो में फिर से बोलना चाहूंगा, कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आती है। जानकारी जो होती है हमेशा फायदेमंद ही साबित होती है। हो सकता है हमारे वीडियो में देख करके जो जानकारी आप सीखते हैं स्वयं नहीं करना चाहते तो दूसरे को भी बता सकते हैं। जी हाँ, दूसरे को बता करके दूसरे की मदद कर सकते हैं। हमारे वीडियो को देख करके आप भी अपने घर का वैद्य बन सकते हैं, बहुत सारे पैसा को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो इसे कई जगह कलौंजी को ब्लैक सीड के नाम से जाना जाता है, कई जगह इसे कलौंजी या कई जगह इसे कलुआ के नाम से जाना जाता है। इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस प्रकार से इसके छोटे छोटे दाने होते हैं, काले काले। तो आयुर्वेद में कलौंजी का प्रयोग दोस्तों खास करके दर्द निवारक काम में लिया जाता है। दर्द निवारक जैसे कि नेत्रों में दर्द हो रहा है उसमें इसका प्रयोग होता है। मोतियाबिंद है, बदहजमी है, दस्त है, पेट के कीड़े मारने हैं, डायबिटीज है, बुखार है या कीड़े काटने पर इसका प्रयोग होता है। तो कंटिन्यू हमारे वीडियो में बने रहे, विस्तार से इसका बहुत सारा फायदा बताने वाला हूँ। तो यह वीडियो बहुत ही आपको फायदे दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, इसका प्रयोग ना अगर कलौंजी को जला करके और इसमें तेल मिला करके सिर पर लगाया जाए तो अगर सिर में आपके रूसी हैं तो रूसी ठीक हो जाते हैं, बाल झड़ने तो बाल का झड़ना बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार से कि इसका बहुत सारा फायदा, वीडियो में कंटिन्यू बने रहें क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती, हमेशा फायदेमंद ही साबित होती है। इसके बाद ये पीलिया की बीमारी को ठीक करते हैं। अगर इसके 7 बीजों को दूध में पीस करके नाक में इसका रस को टपकाया जाए तो पीलिया की बीमारी कुछ दिनों के भीतर में ठीक हो जाते हैं। अगर पथरी है तो 3 ग्राम इसके बीजों को पीस करके मधरस मिला करके जल के साथ सेवन कराने से पथरी की बीमारी में काफी लाभ मिलते हैं। वात रोग अगर किसी को जोड़ों में दर्द हो रहे हैं तो जो अपने मंगरेल के श्वेत तेल आते हैं ये आपको मिल जाएंगे कहीं भी, ये नहीं मिल पाते तो आप अरंडी का तेल ले सकते हैं। इसके साथ में ये आपको कलौंजी मिला देने हैं, दोनों को पीस करके वात रोगों पर लगाने, जोड़ों में दर्द हो रहे वहां पे लगाना है या लकवा ग्रस्त अंग है वहां पे लगाने से लकवा ग्रस्त अंग फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। मिर्गी है तो इसके तेल की मालिश करने से या एक एक बूंद इसका जो तेल होते ना, हमारे वीडियो में देख लीजिए कलौंजी, इसका तेल अगर नाक में डाल दिया जाए ना तो मिर्गी की बीमारी ठीक हो जाती है। कलौंजी का तेल अगर आप अपने जोड़ों में लगाते हैं, बदनों में लगाते हैं या किसी भी हिस्से में दर्द हो रहे, ध्यान दीजिए यह जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी कभी भी काम आ सकती है क्योंकि जब हमारी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो हमारे जोड़ों में बदनों में दर्द होना आम समस्या है। तो एक काम करें, कलौंजी का तेल मार्केट में मिल जाते हैं, इसके तेल से आप अपने जोड़ों में, बदनों में, जिस भी हिस्से में दर्द हो रहे वहाँ पर मालिश करें तो हर प्रकार के दर्दों का ये शमन करता है, दर्दों को ठीक करने का काम करते हैं। वैसे तो कलौंजी के बहुत सारे अनेकों फायदे हैं लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ही गिने चुने फायदा बताया हूँ। हाँ, इसका एक और मैं आप लोगों को बेनिफिट बता देता हूँ, फायदा बता देता हूँ कलौंजी का। अगर जिनके बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो चुके हैं, जो लोग चाहते हैं बालों को नेचुरल तरीके से काला करना, तो कलौंजी को पीस ले, एकदम पाउडर फॉर्म में बना लें और इसके जो बने हुए पाउडर जैसा रहेंगे तो इसमें आपको वैद्यनाथ कंपनी में एक मिलता है, कहा जाए ओरिजिनल तेल चाहिए वैद्यनाथ कंपनी में, अगर मिलता है तो ले करके देख लेना, नहीं मिलता है तो दूसरे कंपनी का भी आप जो है तेल चला सकते हैं। तो वैद्यनाथ कंपनी में एक तेल आता है दोस्तों जिसका नाम है भृंगराज। भृंगराज तेल अगर आपको कोई भी कंपनी में मिल जाते तो उस कंपनी का भी यूज कर सकते हैं। तो भृंगराज का तेल और एक कलौंजी दोनों को मिला करके बालों पर लगाने से उम्र से पहले हुए बाल जो सफ़ेद हो चुके हैं फिर से काले हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ मैं आप लोगों को जो छोटे से जानकारी बताया हूँ कलौंजी के, ये आपको जरूर पसंद आया होगा। जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों, मैं जल्द जुड़ता हूँ आप सभी से किसी नए और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।